जय जगन्नाथ, जय बद्री विशाल। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में। भारतवर्ष में जो चार धाम है, पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, उसमें बद्रीनाथ एक धाम है। भारतवर्ष के चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में स्थित है। अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग बद्रीनाथ कैसे आ सकते हैं, केदारनाथ दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ आने की क्या सुविधा है, दिल्ली से बद्रीनाथ कैसे आ सकते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से आप लोग कैसे आ सकते हैं, यहाँ आने का आपका कितना खर्चा होगा, यहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को धर्मशाला होटल कहाँ मिलेगा, खाने पीने का क्या सुविधा है, दर्शन का क्या सुविधा है, पूरी जानकारी इस ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा। बिना स्किप किए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है दिलुस ब्लॉग। चलिए अभी चलते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। अभी हम पहुंच गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। चलिए अभी जान लेते हैं भारत के अलग अलग शहरों से आप लोग बद्रीनाथ यात्रा के लिए कैसे जा सकते हैं। बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए अगर आप लोग ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो आपको पहले आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। इस दोनों जगह तक आप लोग आ सकते हैं। भारत के हर छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ तक आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ट्रेन यहाँ तक नहीं मिलता है तो आप लोग दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से बाई ट्रेन हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं। दिल्ली से अगर आप लोग बस से हरिद्वार आना चाह रहे या ऋषिकेश आना चाह रहे तो दिल्ली में स्थित काश्मीर गेट बस स्टैंड से आप लोगों को सुबह 5 बजे से बस मिलना शुरू हो जाता है। तो दिल्ली से बस से आप लोग हरिद्वार आ सकते हैं। अगर आप लोग बाई प्लेन से आना चाह रहे हैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए तो बद्रीनाथ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो सीधे डेहराडून में। एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रांड एयरपोर्ट। जॉली ग्रांड एयरपोर्ट से बद्रीनाथ का दूरी है लगभग 305 किलोमीटर। तो देहरादून से आप लोग पर्सनल कैब लेके डायरेक्ट बद्रीनाथ तक जा सकते हैं। अगर आप लोग कम खर्चे में बद्रीनाथ जाना चाह रहे तो आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, फिर हरिद्वार से बस या कैब लेके आप लोग बद्रीनाथ जा सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आएंगे राइट साइड थोड़ा दूर जाने के बाद अभी ये सामने देखिए हरिद्वार का बस स्टैंड है। रेलवे स्टेशन के ठीक ऑपोजिट हरिद्वार का बस स्टैंड है। आसपास शहरों से डायरेक्ट बस यहीं पर रुकता है, लेकिन चार धाम यात्रा के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए बस आप लोगों को यहां नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद TGMOCLTD का ऑफिस है और एक ऑफिस है GMOULTD, उनका ऑफिस है। एक दिन पहले यहाँ बस बुकिंग होता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ का दूरी है लगभग 315 किलोमीटर। बस का जो किराया रहता है 1000 से 1200 रुपया। ऋषिकेश से बद्रीनाथ का जो दूरी है 285 किलोमीटर। बस का जो किराया रहता है 700 से 800 रुपया के बीच में रहता है। बस का जो टाइमिंग है सुबह 4 से 6 बजे तक आप लोगों को बस मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को बस नहीं मिलेगा। एक दिन पहले अगर आप लोग यहाँ स्टे करते बस का टिकट आप लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर उसी दिन आप लोग जा रहे बस का टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको बस का सीट कैबिन में मिलेगा, नहीं तो पूरा पीछे वाला मिलेगा। तो आपके हिसाब से सीट नहीं मिलेगा और टिकट मिल भी नहीं सकता है कभी कभी अगर भीड़ होता है तो एक दिन पहले ही आप लोग टिकट बुकिंग करवा लीजिए। अगर आप लोग पर्सनल कैब से जाना चाह रहे तो कैब का खर्चा 9000 से 10000 रुपया तक रहता है। जाने आने का कैब का खर्चा 15000 से 16000 तक जा सकता है हरिद्वार से आप लोग अगर बद्रीनाथ जाते हैं। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी आप लोग कर सकते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग रेट भी वैरी कर सकता है। अगर शेयरिंग बोलेरो या जीप में आप लोग जाना चाह रहे हरिद्वार से 1000 से 1200 रुपया आपका खर्चा होगा। अगर आप लोग ऋषिकेश से जा रहे हैं तो 1000 रुपया आपका खर्चा होगा शेयरिंग कैब में। काफ़ी सारा शेयरिंग कैब भी आप लोगों को सुबह के टाइम या दिन के 12-1 बजे तक मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको गाड़ी मिलता है, गाड़ी में 10 सवारी होने के बाद शेयरिंग में आप लोगों को गाड़ी मिलेगा। अगर आप लोग उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर जा रहे तो यात्रा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने के लिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है। हरिद्वार से
जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, बस स्टैंड के पास थोड़ा आगे आने के बाद ये जो दिखा रहा हूँ मैं होटल राही, यहीं पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ ऑफलाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में काफ़ी टाइम आप लोगों को जाएगा, कभी कभी भीड़ के कारण बंद भी होता है, तो इसीलिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आइए, आपको टाइम बहुत बचत होगा। तो यहाँ आने के बाद अगर काउंटर बंद होगा आप बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसका जो साइट है https://registrationtouristcare.uk.gov.in, इसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, इसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रूम बुकिंग कर सकते हैं चारों धाम में, जहाँ पर हेलीकॉप्टर का सुविधा है हेलीकॉप्टर भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर के थ्रू आप लोग यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8394833833। व्हाट्सएप में यात्रा लिख के सेंड कर लीजिए, एक के बाद एक डिटेल्स आता जाएगा, आप लोग फिलअप कर लीजिए, लास्ट में यात्रा रजिस्ट्रेशन का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। यात्रा का शुरुआत हरिद्वार से हुआ था। हरिद्वार से मैं गया था पहले केदारनाथ, केदारनाथ दर्शन करने के बाद केदारनाथ से फिर गया था बद्रीनाथ। केदारनाथ टूर के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए, केदारनाथ टूर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अभी जान लेते केदारनाथ से आप लोग बद्रीनाथ कैसे जाएंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जब आप रिटर्न आएंगे सोनप्रयाग में आप लोग स्टे ले लीजिए। अगले दिन सुबह सुबह आप लोग बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जा सकते हैं। अब ये सामने देखिए सीतापुर का बस स्टैंड, सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे सीतापुर बस स्टैंड। यहाँ से अगर आप लोग बद्रीनाथ जाना चाह रहे तो सुबह 5 से 7 बजे के बीच ही आप लोगों को बस मिलेगा। बस का संख्या बहुत ही कम है, तो एक दिन पहले टिकट आप लोग बुकिंग अगर कर लेते तो आसानी से आप लोगों को सीट मिल जाता है। उसी दिन अगर आप लोग जाते तो जैसे मैंने बताया था केबिन में सीट मिलेगा, नहीं तो पीछे की तरफ आप लोगों को सीट मिलेगा। बस का किराया 800 से 1000 रुपया रहता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ का दूरी है 220 किलोमीटर, एक दिन लग जाता है पूरा पहुँचने के लिए। सुबह अगर आप लोग निकलते शाम होते होते आप लोग बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। अगर शेयरिंग कैब में आप लोग जाना चाह रहे तो 1200 से 1500 रुपये आपका खर्चा होगा। सुबह आप लोगों को काफ़ी सारा शेयरिंग गाड़ी मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को शेयरिंग गाड़ी मिलेगी, लेकिन 10 लाख होने के बाद गाड़ी वाला आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ लेके जाएगा। अगर आप लोग पर्सनल कैब करके जाना चाह रहे तो 8000 से 10000 रुपये आपका खर्चा होगा। आप लोग अगर बद्रीनाथ से फिर ऋषिकेश जाना चाह रहे या हरिद्वार जाना चाह रहे तो 12000 से 15000 रुपये आपका खर्चा होगा। रेट वैरी कर सकता है सीजन के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। यहां और एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, अगर आप लोग बाबा केदारनाथ दर्शन करने के बाद रिटर्न शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, अगर आप लोग चाहे उसी दिन रात को सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए जा सकते हैं। रात को शेयरिंग गाड़ी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हमें शेयरिंग गाड़ी मिल गया था पर पर्सन 1500 रुपया करके, हम लोग उसी दिन रात को ही बद्रीनाथ के लिए चले गए थे। अगर आप लोग चाहे पर्सनल कैब लेके भी जा सकते हैं, नहीं तो सुबह तक भी वेट कर सकते हैं, बस में आप लोग जा सकते हैं। अगर एक दिन आप लोग स्टे करते हैं सोनप्रयाग में 2500 से 3000 रुपया होटल का खर्चा आता है, तो इसीलिए हम लोग रात को ही पर पर्सन 1500 रुपया देके शेयरिंग में गाड़ी से हम लोग बद्रीनाथ के लिए चले गए थे। ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं। अभी सुबह होने वाला है, रात को कुछ देर हम लोग रेस्ट किए थे, क्योंकि जो पहाड़ी वाला रास्ता है रात को ड्राइविंग करना थोड़ा सेफ्टी नहीं होता है, कहीं गाड़ी वगैरह खराब हो जाता है तो मैकेनिक गैरेज मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे माने अगर आप लोग हरिद्वार या केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे दिन में ही ट्रैवल कीजिएगा। केदारनाथ से बद्रीनाथ का जो दूरी है लगभग 220 किलोमीटर, 8 से 10 घंटा लगता है पहुंचने के लिए। हरिद्वार से बद्रीनाथ का दूरी 315 किलोमीटर, पहुंचने के लिए 10 से 12 घंटा लगता है। जिस दिन आप लोग बद्रीनाथ पहुंचेंगे, अगर आप लोग चाहे तो शाम को दर्शन भी कर सकते हैं। जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है, जगह जगह बहुत ही खतरनाक मोड आपको देखने को मिलेगा।
हरिद्वार से बद्रीनाथ अगर आप लोग पर्सनल कैब करके जाते हैं, एक फायदा क्या होता है, साइट सीन करते हुए आप लोग पहुंचेंगे। रास्ते में आप लोग पंचप्रयाग देखेंगे, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, माँ धारी देवी का मंदिर, हनुमान चोटी और जोशीमठ होते हुए आप लोग पहुंचेंगे बद्रीनाथ। बस से अगर आप लोग जाते हैं ये सब साइट सीन करने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किससे बद्रीनाथ जाते हैं। अभी हम पहुंच गए हनुमान चोटी मंदिर, चलिए दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। जगह जगह रास्ते में ऐसा खतरनाक मोड़ आपको देखने को मिलेगा, जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाकी रोड का जो मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया से किया गया है, बढ़िया से रोड बनाया गया है। जगह जगह कुछ जगह काम चल रहा है, काम होने के बाद बहुत ही बढ़िया से रोड बन जाएगा। बाकी ये लैंडस्लाइड वाला जगह है, बारिश में लैंडस्लाइड होता है तो रास्ता भी ख़राब हो जाता है। साल भर आपको जगह जगह काम होते हुए दिखेगा। अभी हम थोड़े ही देर में पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। देखिए अभी हम पहुंच गए बद्रीनाथ। जब आप एंट्री करेंगे आपको पहले एक पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पेट्रोल पंप नहीं था, अभी नया बनाया गया है तो पेट्रोल का कोई इशू नहीं है। पर्सनल गाड़ी वगैरह आप लेके आते हैं। ये पेट्रोल पंप के पास ही बस स्टैंड है, यहीं से होटल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ काफ़ी होटल और धर्मशाला आपको मिल जाएगा। पहले से ऑनलाइन अगर होटल वगैरह बुकिंग करके आते हैं तो 2000 के बीच में आपको होटल या धर्मशाला वगैरह मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ 2500 से 3000 रुपया तक होटल का प्राइस देना पड़ सकता है। अब ये देखिए बस स्टैंड, बद्रीनाथ का बस स्टैंड। जब आप बस से आएंगे यही आपको बस वाला ड्रॉप करेगा। आगे पार्किंग का भी सुविधा किया गया, पर्सनल गाड़ी वगैरह अगर लेके आते तो पार्किंग का सुविधा किया गया है। जगह जगह आरओ मार्क में लिखा है मंदिर जाने का रास्ता, पार्किंग जाने का रास्ता बढ़िया से मेंटेन किया गया है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ दिनों के बाद जब आप आएंगे यह बढ़िया से बन गया है पूरा। चलिए अभी होटल में पहुँचने के बाद दर्शन करने का क्या सुविधा है मैं आप लोगों को बताऊँगा। धर्मशाला में रुका था उसका नाम है बेरीवाला अतिथि भवन यात्रा धाम। ऑनलाइन से मैंने बुकिंग किया था, इतना अच्छा सुविधा नहीं है लेकिन प्राइस थोड़ा कम था। डबल बेडरूम 1700 रुपया में मुझे मिला था। तो अगर आप लोग चाहे ऐसा बहुत सारा धर्मशाला होटल आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हम पहुँच गए BRO चौक, यहाँ से अभी हम मंदिर के लिए जाएंगे। लेफ्ट साइड मंदिर के लिए रास्ता है, यहीं पर टोकन काउंटर है। जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया होगा यहाँ दिखाने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा, टोकन दिखाने के बाद मंदिर तक आप लोग पहुंचेंगे। चलिए यहाँ टोकन लेने के बाद मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी कुछ खा लेते हैं। खाने पीने के लिए ढेरों दुकानें यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। 150 से 200 रुपये में थाली मिले आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। खाने पीने के लिए कोई असुविधा नहीं है, केदारनाथ से यहाँ कम रेट में आपको खाना मिल जाएगा। चलिए खाना पीना करने के बाद लाइन में लग जाते हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए कितना टाइमिंग लगता है देखते हैं। अब ये सामने देखे 3 आरओ मार्क लगा हुआ है, श्री बद्रीनाथ मंदिर जाने का रास्ता, तप कुंड और ब्रह्म कपाल। चलिए इसी रास्ते से चलते हैं मंदिर तक। उस पर देखिए नदी के उस पर मंदिर का खूबसूरत सा व्यू। पीछे जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, पहाड़ का नाम है नर और नारायण। अभी मंदिर का व्यू देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और ये जो नदी आप लोग सामने देख रहे हैं अलकनंदा नदी, बहुत ही तेज बहाव है इस नदी का। चलिए आगे एक ब्रिज दिखेगा, ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज के उस पार मंदिर तक हम लोग पहुंचेंगे। ब्रिज जहां एंड होता है लेफ्ट साइड अगर आप लोग जाएंगे एक सीढ़ी हुआ है, सीढ़ी से नीचे जाएंगे राइट साइड तप्त कुंड, लेफ्ट साइड ब्रह्म कपाल। चलिए तप्त कुंड में हम लोग स्नान कर लेते हैं, उसके बाद लाइन में लग जाते हैं दर्शन के लिए। अभी लाइन कितना दूर लगा हुआ है चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी ये सामने देखिए ब्रह्म कपाल, दर्शन कर लीजिए। यहाँ पिंड श्राद्ध वगैरह किया जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्म कपाल विराजमान है। ब्रह्म कपाल दर्शन करने के बाद अभी ये सामने देखिए अलकनंदा नदी का कितना तेज बहाव है। यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्नान करने के लिए बैरिकेड वगैरह किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल भी अभी स्नान मत कीजिएगा। अभी सामने देखिए गर्म कुंड, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग यहाँ किया गया है। यहाँ आप लोग स्नान कर सकते हैं, यहाँ कपड़े धोना और साबुन वगैरह का व्यवहार करना मना है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। स्नान करने के बाद यहाँ छोटा छोटा मंदिर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं।
खाली अभी लाइन में लग जाते हैं। जो लाइन अभी आप लोग देख रहे हैं शेड के नीचे, आगे आपको शेड भी देखने को नहीं मिलेगा। लाइन कम से कम 5 किलोमीटर दूरी तक है, कम से कम 6 से 7 घंटा लगेगा अभी दर्शन के लिए। मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह 4 बजे खुल जाता है, दोपहर को 12 बजे बंद होता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। इसीलिए रात को अगर आप लोग 3-3.30 बजे आके लाइन में लग जाते हैं तो जल्दी आपका दर्शन हो जाएगा, नहीं तो हमारा तरह कम से कम 5-6 घंटा या 8 घंटा आपको दर्शन के लिए लग सकता है। देखिए कितना दूर तक अभी लाइन लगा हुआ है। ये कितना है भैया? 200। ये वाला 100। ओके। ऐसा प्रसाद का पैकेट मिलता है मंदिर के अंदर, आप लोग लेके जा सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले जूता जहाँ से आप लोग प्रसाद ले रहे हैं वहाँ रख सकते हैं। मंदिर के सामने जूता स्टैंड बनाया गया है लेकिन बहुत ही छोटा सा है, तो किसी दुकान में आप लोग जूता पहले से रख लीजिए। मंदिर के अंदर मोबाइल आप लोग लेके जा सकते हैं, मुख्य प्रतिमा के फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। मंदिर जहाँ से भी आप लोग लाइन से आ रहे एक ही साथ इसी गेट से आगे जाएंगे। यहाँ थोड़ा दिन का व्यू मैंने ऐड किया है, तो यहाँ एक मुश्किल क्या है, बहुत ही जाम लग जाता है क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आने के बाद मेन द्वार से मुख्य द्वार से आप लोग पूरा एक ही साथ में अंदर जाएंगे। हम लोग रात को दर्शन किए थे क्योंकि दिन के 11 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, रात को 8 बजे हमारा दर्शन हुआ था। अभी देखिए रात का व्यू है, अभी तक हम मंदिर के अंदर गए भी नहीं है। चलिए अभी मंदिर के अंदर हम चलते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद और क्या क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। दर्शन करके अभी हम बाहर आ गए हैं। मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह के अंदर भगवान विष्णु विराजमान है। एक चांदी का बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सा मूर्ति है, ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही भीड़ है अंदर, कोई भी सिस्टम नहीं है, धक्का मुक्की चल रहा है। बहुत ही कष्ट से 8 घंटा लाइन में लगने के बाद दर्शन करके अभी हम बाहर आए। मंदिर प्रांगण में और भी छोटा छोटा मंदिर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में पूजा वगैरह करवाना चाहते तो मंदिर के अंदर ही, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ यहीं पर ही काउंटर उनका बनाया गया है, आप रसीद लेके मंदिर के अंदर पूजा भी करवा सकते हैं। चलिए हमारा अभी दर्शन हो गया है, बाहर चलते हैं। और आप लोग बद्रीनाथ धाम अगर दर्शन के लिए आते तो आपका कुल खर्चा कितना होगा उसके बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट साल में 6 महीना खुला रहता है, 6 महीना बंद होता है। इस साल अक्षय तृतीया के बाद 12 मई को कपाट खुला था, बंद होगा दीपावली के बाद 9 नवंबर 2024 को। आपको यहाँ किस टाइम दर्शन के लिए आना चाहिए? सबसे बढ़िया टाइम मई जून में रहता है, लेकिन मई जून में काफ़ी भीड़ यहाँ होता है और ज़्यादा होटल का प्राइस वगैरह भी रहता है। इस टाइम अगर आप लोग चाहे आ सकते हैं, बारिश वगैरह नहीं होता है, बढ़िया मौसम रहता है। उसके बाद जुलाई अगस्त जिस टाइम बारिश होता है, ज़्यादातर लोग जुलाई अगस्त में आने की प्लानिंग नहीं करते क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह रास्ते में होता है, तो ज़्यादातर लोग आने के लिए प्रेफर नहीं करते। उसके बाद सितंबर अक्टूबर ठंड हो जाता है, बर्फ़ गिरता है, तो इस टाइम अगर आप लोग चाहे दर्शन के लिए आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम रहता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ होता है, आप देख लीजिए कौन सा टाइम में आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। बद्रीनाथ धाम का रात का कितना सुंदर सा व्यू, यहाँ सामने लाइट लगा हुआ है, अलग अलग कलर में मंदिर का व्यू दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए अभी चलते हैं होटल, रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद सुबह हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ का बस स्टैंड। बस स्टैंड से आप लोगों को हरिद्वार ऋषिकेश के लिए बस मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप लोग केदारनाथ जाना चाह रहे यहाँ से भी बस वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। एक दिन पहले यहाँ आके टिकट करवा लीजिए, सुबह 5 से 7 बजे के बीच आप लोगों को बस मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बस नहीं मिलेगा, फिर शेयरिंग गाड़ी से आप लोगों को रिटर्न जाना पड़ेगा। चलिए अभी जान लेते हैं 2 पर्सन का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट केदारनाथ से बद्रीनाथ दर्शन के लिए अगर आप लोग आते हैं तो कितना खर्चा होगा। एक दिन का स्टे सोनप्रयाग में आपको करना पड़ेगा, 2,500 से 3,000 रुपया का होटल का खर्चा आ जाएगा। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ आने के लिए बस से 800 से 1,000 रुपया आपका खर्चा होगा एक पर्सन का, तो 2 पर्सन का 2,000 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। 2 दिन स्टे आप लोग बद्रीनाथ में करेंगे,
बद्रीनाथ में होटल का खर्चा 2000 से 2500 तक जा सकता है, तो आपका कुल मिला के 2% का 4500 रुपये के आसपास खर्चा होगा। मील्स में 3000 से 4000 रुपये आपका खर्चा होगा। रिटर्न बद्रीनाथ से हरिद्वार अगर आप लोग आते हैं तो 800 से 1000 रुपये का बस का टिकट 1% का रहता है, तो 2000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। कुल मिला के 15000 से 16000 रुपये में 2% केदारनाथ से बद्रीनाथ दर्शन के लिए आ सकते हैं। 1% पर 7500 रुपया खर्चा आपका हो जाएगा। चलिए अभी जान लेते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाते हैं, 2% अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में बता रहा हूँ। ये जो टूर है 3 दिन का टूर है, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा साथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभार जाम वगैरह लग जाता है, दर्शन में टाइम लग जाता है। 4 दिन होगा तो आसानी से आप लोग टूर कम्प्लीट करके रिटर्न आ सकते हैं। पहले जान लीजिए, जिस दिन आप लोग आएंगे हरिद्वार में 1 दिन का स्टे करेंगे होटल में, हरिद्वार में होटल 700 से 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। बद्रीनाथ में जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन के बाद अगले दिन आप लोग दर्शन करेंगे, उसके अगले दिन आप लोग रिटर्न आएंगे, तो यहां आपको 2 से 3 दिन तक होटल का खर्चा लग सकता है। 6000 से 8000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा होटल में। मील्स में 5000 से 6000 रुपये आपका खर्चा होगा। बस में अगर आप लोग जाते हैं और रिटर्न आते हैं तो 4000 से 4500 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। अगर शेयरिंग कैब में आप लोग जाते हैं तो 5500 से 6000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा जाने आने का। पर्सनल कैब में अगर आप लोग जाते हैं तो 15000 से 16000 रुपये का तक खर्चा आ सकता है। थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये पूरा टूर 2% अगर आप लोग हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते हैं बस में, 19000 से 20000 रुपये आपका खर्चा होगा। 1% का 10000 रुपये खर्चा हो सकता है। अगर आप लोग शेयरिंग बोलेरो में जाते हैं 21000 से 22000 रुपये आपका खर्चा होगा। 1% का 11000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। अब जहां से भी आ रहे फ्लाइट या ट्रेन के टिकट इसमें मैंने मिलाया नहीं है। बद्रीनाथ का टूर जो 4 दिन मैंने आप लोगों को बताया है, 1 दिन आप माना गांव भी घूमने के लिए जा सकते हैं। माना गांव ही पास ही है, भारत का प्रथम गांव, बहुत सारा चीजें देखने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बद्रीनाथ से माना गांव आप लोग कैसे जा सकते हैं, यहाँ घूमने के बाद आप लोग क्या क्या देख पाएंगे, पूरी जानकारी उस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दूंगा। जो बजट मैंने बताया है हरिद्वार से बद्रीनाथ, उसी बजट में आप लोग माना गांव घूम के भी रिटर्न जा सकते हैं। एक बात बताना मैं चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का प्यार सपोर्ट और भगवान के कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके कारण मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ, 4 धाम का भी दर्शन कर चुका हूँ। सबका ब्लॉग मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अलग से मैं प्लेलिस्ट में फोल्डर बना के रखा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के नाम से, अगर आप लोग चाहे ये सब देख सकते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन मेरा हो गया है। केदारनाथ ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, पहले केदारनाथ का ब्लॉग देख लीजिए, फिर इस ब्लॉग को भी देख लीजिए, तो पूरी जानकारी इस टूर के बारे में आपको मिल जाएगा और दोनों टूर आप लोग एक साथ कैसे कर सकते हैं उसका जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही मेहनत से इस ब्लॉग को मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय जगन्नाथ, जय बद्री विशाल।